हे गाइस वेलकम टू माय चैनल वे टू विनर्स आई एम वैशाली सो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीईटी और एनआरए के बारे में इस पूरी वीडियो में हम सीईटी और एनआरए को समझेंगे कि अब सीईटी और एनआरए आने वाला है लागू होने वाला है तो ये क्या चीज़ है देखिए थोड़े टाइम पहले शिक्षा नीति को बदला गया था यानी जो एजुकेशन सिस्टम था उसको चेंज किया था ऐसे ही अब सरकार ने जो सरकारी नौकरी पाने का जो सिस्टम है उसको भी पूरा चेंज कर दिया गया है ठीक है उसको पूरा चेंज कर दिया है तो अब क्या लागू कर दिया गया है सी और एन तो देखिए आपका ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है और इम्पॉर्टेंट भी बन जाता है कि सी और एन आखिर है क्या चीज़ ठीक है इस बारे में हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं डिटेल में जाने से पहले गाइस मैं आपसे कहूँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है उसको भी जल्दी से प्रेस कर लीजिएगा ठीक है एंड ये वीडियो जो गवर्नमेंट एसपेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड पेरेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स भी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको भी पता होना चाहिए जो सरकारी नौकरियां हैं अब उसे पाना पहले से आसान हो गया है या टफ हो गया है जो भी डिटेल है अब जो सिस्टम है अब कैसे हम सरकारी नौकरी पा सकते हैं पूरी डिटेल आपको समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं सो सबसे पहले हम समझेंगे कि सी की फुल फॉर्म क्या है देखिए सीई यानी होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ठीक है और एन आर ए मीन्स नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यह एक एजेंसी है मैं आपको बता दूं जो सी है उसको कंडक्ट करवाएगी एन ठीक है एन एक एजेंसी है जो सी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएगी ये पहला पॉइंट आप ध्यान रखिए सी और एन क्या चीज़ें देखिए सी जो है केंद्र सरकार की नौकरियों को पाने के लिए ऑनलाइन आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षाओं को ही सी कहा गया है एन क्या चीज़ है देखिए सीईटी कराने के लिए सरकार ने एक नई एजेंसी का निर्माण किया है जिसे एन कहा जा रहा है पहले एस बैंक और रेलवे के जो एग्जाम होते थे वो अलग अलग होते थे पर अब तीनों विभागों के लिए सिर्फ एक ही एग्जाम होगा पहले का सिस्टम अब खत्म कर दिया गया है अब एक एग्ज़ाम एक होगा उसे सीई यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नाम दिया गया है देखिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि गाय पहले से क्या होता था कि अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बैंक का नहीं दे सकते थे और आप रेलवे का नहीं दे सकते थे देखिए तीनों विभाग जो हैं वो अलग अलग होते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे वो भी अलग अलग होते थे एस में जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूँ जैसे रेलवे में इंग्लिश नहीं आती है लेकिन बैंक में आपकी इंग्लिश आती है तो आपको क्या करना पड़ता था अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप बैंक की नहीं कर सकते थे अगर आपको करनी है तो आपको इंग्लिश भी पढ़नी पड़ती थी आपका जो एग्ज़ाम का लेवल होता था वो भी अलग होता था तो गाइस अब इस सिस्टम को बदल दिया गया है अब आप तीनों सेक्टर में अप्लाई कर सकते हैं अब आपका सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम होगा जिस एग्ज़ाम को सी नाम दिया गया है यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सी लागू होने से पूरा सिस्टम बदल जाएगा अब सरकारी नौकरी पाना पहले से भी आसान होगा अब पहले की तरह परेशानियां नहीं होंगी पहले से देखिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी जैसे आपका जो एग्ज़ाम होता था वो काफ़ी काफ़ी देरी में होता था और कभी ऐसा होता था कि पेपर लीक हो जाता था और आपको एक परीक्षा बार बार देनी होती थी आपका कभी एग्ज़ाम जो है उसका सेंटर दूर पड़ जाता था आवेदन पत्र यानी जो अप्लाई फॉर्म है अब आपको उसको अलग अलग नहीं भरना पड़ेगा ठीक है अब आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका एग्ज़ाम भी यहाँ पर एक ही होगा पहले परीक्षाएं तीन चरण में होती थी यानी पहले प्री होता था उसके बाद मेंस होता था उसके बाद इंटरव्यू होता था अब ऐसा नहीं होगा नए सिस्टम सीईटी लागू होने के बाद अब अलग अलग सरकारी विभागों के लिए सिर्फ़ एक ही परीक्षा होगी यानी सीईटी देखिए यहाँ पर कितना अच्छा आपके लिए हो गया है कि आपको अब ना प्री करना है ना मेन्स देना है ना आपका इंटरव्यू होगा कितना यहाँ पर सरकार ने ये बढ़िया कर दिया है अगर आपको ये जो सरकार की जो नीति है वो अच्छी लगी या आपको कैसी लगी मुझे क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपको सरकार की जो ये नई नीति है वो कैसी आपको लग रही है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा ठीक है गाइस वन ईयर में अब दो बार सीई का आयोजन होगा और इसको कंडक्ट कौन सी एजेंसी करवाएगी देखिए जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ इसको कंडक्ट करवाने वाली है एन यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अब क्या होगा साल में दो बार सीई का एग्जाम होगा और इसको कंडक्ट कराएगी एन आरे. अब परीक्षा दो नहीं बारह भाषाओं में होगी यानी अब जो परीक्षार्थी हैं वो अपनी लोकल लैंग्वेज यानी क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा दे पाएंगे पहले ऐसा नहीं होता था देखिए पहले दो भाषाओं में ही ओनली टू लैंग्वेज में ही आपकी आप परीक्षा होती थी हिंदी और इंग्लिश में लेकिन अब ये बहुत बढ़िया कर दिया गया है कि अब आप आपका कंपलसरी नहीं है आप हिंदी इंग्लिश में दें अब आप आपकी जो क्षेत्रीय लैंग्वेज है अगर आप साउथ के हैं तो वहाँ जो कन्नड़ तमिल वगैरह बोली जाती है आप उसमें भी एग्ज़ाम दे सकते हैं सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे यानी आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं देखिए आप सीई के फ़ायदे भी देख लेते हैं कि सी लागू होने से विद्यार्थियों को क्या फ़ायदा होने वाला है अब सी लागू होने से परीक्षा होने का सालों तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा अब जो सरकार का जो सिस्टम है अब वो परीक्षाओं में तेजी लाएगा अब परीक्षार्थियों को हर साल परीक्षा नहीं देनी होगी जैसे मैंने आपको पहले बताया ठीक है आपको सिर्फ़ एक ही एग्ज़ाम देना है अब सरकार और परीक्षार्थियों का पैसा और समय दोनों बचेगा ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अब क्या होता था पहले से आप हर फॉर्म के लिए अलग अलग फ़ीस पे करते थे जैसे किसी फॉर्म की आठ सौ रुपये है किसी की हज़ार रुपये है किसी की थ्री हंड्रेड है इस तरह की आपकी फ़ीस जाती थी अलग अलग फॉर्म्स के लिए जिससे क्या होता था आपका बहुत ज़्यादा पैसा वेस्ट होता था और समय भी आपका वेस्ट होता था अब क्या है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको सिर्फ़ वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा अब परीक्षार्थी एक परीक्षा उत्तीर्ण करके यानी जो सी एग्ज़ाम होगा आपका उसको अगर आपने उत्तीर्ण कर दिया है यानी पास अगर आप हो गए हैं तो आप बहुत सारी नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं अब सीईटी में जो आपके नंबर आएंगे वो तीन साल तक वैलिड होंगे अब महिला अभ्यार्थियों को भी परीक्षा के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा अब सीईटी के द्वारा परीक्षार्थियों को परीक्षा का ज्यादा इंतजाम नहीं करना पड़ेगा अब सरकार परीक्षा के जो नतीजे हैं वो जल्द ही निकालेगी so guys, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ और अपने फ्रेंड्स के साथ अपने रिलेटिव्स और जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा क्योंकि गईस ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबको पता होना चाहिए कि अब सरकारी नौकरी पाना पहले से कैसा हो चुका है पूरा सिस्टम ठीक है तो आपको इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है ठीक है तो चलिए गईस अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना ध्यान रखिए खुश रहिए घर पे ही रहिए टेक केयर गईस